हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ ना मूंग की दाल की एक अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने मूंग की दाल तो बहुत बार बनाई होगी, अपने तरीके से बनाई होगी। इस बार मेरे तरीके से बना के देखिए, मैं सच मानिए एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। और कहीं ऐसे भी मूंग की दाल बन सकती है। मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, इसमें ना एक कटोरी से ऊपर ज़्यादा चाहिए भी नहीं। सूख मूंग की दाल है, रात भर सूखा हुआ है। उसमें मिर्ची अदरक डाल के मैंने पीस लिया। फिर मैंने कढ़ाई में तेल लिया। ये पीसी हुई मूंग की दाल को हमने खूब अच्छे से भूनना है। जब तक भूजेंगे, जब तक इसका रंग ना सूख ना जाए तब तक भूजेंगे। उसको जितना भूजेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। फिर हमने थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है लेकिन भूजा इसको ना, स्वाद एकदम निमोना की तरह लगेगा। और ये ना वाकई ये आपको ना बहुत टेस्टी बनेगी। जी मैं अब भूज गया है मूंग की दाल, फिर उसको मैं प्लेट में निकाल लिया है। अब क्या है, अब हम ना एकदम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हल्दी लिया है, लाल मिर्च लिया है, गरम मसाला लिया है और धनिया पाउडर, एकदम बेसिक मसाला है। उसमें पानी डालकर घोल बना दिया है। तो मैं तेल डाला, हींग डाला और मैंने जीरा डाला, वो घोल वाला मसाला डाल दिया। बस हमें मसाले जो भी हम डाल रहे हैं ना वो अच्छे से भूनने चाहिए, बस खूब भूनने चाहिए। और इसमें टमाटो प्यूरी भी डाल दी। जब तक भूनना है टमाटर डाल के, जब तक मसाले भूनने हैं, जब तक इसमें से तेल छोड़ने ना लग जाए। फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट से जल्दी मसाले भून जाते हैं। अब भुजी हुई जो हमारी जो मूंग की दाल है ना, उसको भी मसाले में डाल खूब पकाना है, मैं खूब भूनना है। ये पूरी जो है ना रेसिपी है ये मसाले भूजने की है। जितनी ये मसाले और दाल भूजेगी ना उतना ही इसका टेस्ट ना एकदम नेक्स्ट लेवल का जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। घर में मैंने इसको बनाया, मेरे बच्चों ने सबने कहा कि मम्मी ये तो बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही हटके बनी है। ये मैंने मूंग की दाल मोस्टली मैं वैसे ही बनाती जैसे नॉर्मल सबके घर में बनता है, लेकिन ये मूंग की दाल जो बनाए और इतनी टेस्टी बनी है। सबसे बड़ी बात है वो सिर्फ एक कटोरी मूंग की भिगोई मूंग की दाल से ही बन जाती है। इसे खूब भूजना है, जब तक भूजा जब तक ये है वो तेल छोड़ने नहीं लगा। फिर मैंने जो है एक आधा लीटर पानी डाल दिया और उसमें कस्तूरी मेथी डाली, तब तक पकाई धीमी आंच में, तब तक ये तेल ऊपर छोड़ने ना लग जाए। हमारा जो है तेल हमने कम ही डाला था लेकिन पकने के से वो एकदम ऊपर तक तैरने लगा। यह इसको घी के साथ डालकर खाइए, चावल के साथ खाइए, या पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी।